Mesela Kur'an'ı almak bir alt kaldı. Nevaz Şerif diye bir nesil oldu. Yasi ve de sıkıldı ama daha 88 ve bat bat gaya. Umele asa Saraiki speaking bed with o sat ministers kabinet asa. Mia Bali de, Bakar de, Dupan de, Darwazi Khan, Kurenga Khan, Eko Drisha Khan, Rajan Bhoi, sat asa. Asa onda nal sat ministers ala rakhi. ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗੋ ਕਿਉਂ 34% ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ 66% ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਕੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆਬਾਦੀ ਕੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਦੇਖਤੇ ਰਹੇਗੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਹਾਂ ਹੋਗਾ ਸਦਰ ਪੰਜਾਬ ਯਹੀ ਹੋਗਾ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਕੁਛ ਇਹ ਫਰਕ ਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਬਾਦੀ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ہمارے پاس کالجز کیوں نہیں ہیں آپ لاہور پھریں تو ایک شہر میں اس میں 5000 کالجز ہوں گے ہمارے ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں ایک ڈسٹرکٹ میں ایک ڈگری کالج ہے ایک ہوں کمیٹی بنا لیتی کیبنٹ کمیٹی چیئرمین میں ریکمینڈ کرو جو کتنا ہونا چاہیے ایسا 44% آپ نے بس لگایا 10% کا جمپ 10% کئی ارب بڑھ گئے करोड़ नहीं बनता सही है बिल्कुल सही लेकिन वो हटे सही लेकिन आइए अब फिर से आपसे सर मेरी मुलाकात हुई थी लाहौर में भी हुई थी सर मैं लाहौर सीएम ऑफिस का रिपोर्टर हूँ और पंजाब असेंबली का आपसे जब जंगीर तरीन शाह महमूद कुरैशी ये सब लोगों ने आपके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कजाफी स्टेडियम के पास जहाँ पे आपकी रिहाइश गाह है वहाँ पे आप एक मरतबा आए थे उनके साथ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मेरी रिहाइश उस तरफ नहीं शायद वैसे भी आपकी रिहाइश होगा लेकिन वहाँ पे आपकी मेरी मुलाकात हुई थी क्योंकि मैं पीटीए ही कवर करता रहा वहाँ पे लाहौर में 14-15 साल हो गए मुझे फील कर रहे इतनी तो उम्र नहीं लगी 2009 से मैंने शुरू किया प्रिंट मीडिया मैं पंजाब असेंबली का मैं रजिस्टर साहब कितने साल के हो 32 साल हूँ ना ये इंटरनेट शुरू आपने बहुत यंग एज में शुरू कर दिया 9th क्लास में था तब मैंने स्टार्ट किया जब इसका सर 42 चैनल होता था तब मेरे वाले साहब उस चैनल में उनको देख के मैंने शुरू किया वो छोड़े अपना अपना काम कर पहुंच गया वही खड़े हुए बस हम लोग वो काम नहीं करते ना जो करते बहुत अच्छा बहुत अच्छा मानता हूं ठीक कह रहा है मेहनत कर रहा है जी बच्चा इधर अच्छा सर ये बताइएगा सबसे पहले तो एक तो जनूबी पंजाब के हवाले से पंजाब असेंबली में भी कई मरतबा जो है जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं एमपीएस हैं उन्होंने आवाज उठाई थी गवर्नमेंट पीटीए के दौर में कि वहाँ पे सेक्रेटेरिएट भी होना चाहिए वहाँ पे जो हमारे मसाइल हैं हमें लाहौर आना पड़ता है लेकिन उस तरफ अभी तक मेरे ख्याल से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही और लोगों को मुश्किलात का सामना है जिस तरह आपने पहले बताया क्या कहेंगे सवाल देखिए ये बहुत पुराना हो चुका है ये सवाल आपका नाम क्या है सलमान सलमान साहब ये बहुत पुराना हो चुका है ये क्वेश्चन मैं जब ये सवाल की उम्र शुरू हुई थी मैंने इनसे तब भी कहा था नाम भी ऐसे चुन के रखे कि इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन ना नजर आए हमें मैं छोटे सूबे के हक में हूँ और हक में इसलिए हूँ कि 400 मील करना है 600 मील करना है कोई राजनपुर के अखीर से आ रहा है कोई रही व्यार खान के अखीर से आ रहा है लाहौर पहुँचते पहुँचते उनके पसीने निकल जाते हैं आप नाम ऐसा रखें जिसपे कोई एतराज़ ना कर सके लेकिन वो जैसे अभी मलिक साहब बता रहे थे जो इस मूवमेंट के बानी थे ताज लगा सा उन्होंने वो एक नाम दे दिया था और नाम पक गया मैं हमेशा ये कहता था कि हमें अपना सूबा चाहिए साउथ पंजाब के लिए सूबा चाहिए नाम उस वक्त रखेंगे जब सूबा बन जाए सही बात है अब तक वो तासुब चल रहा है हाँ जी सेक्टेरियल बेसिस पे नहीं होना चाहिए बिल्कुल इसमें नो डाउट और इसीलिए अभी थोड़ी देर आपके सवाल से पहले ये बात हो रही थी कि हमें आबादी के मुताबिक बजट कैसा दिया जाता है पंजाब के बजट की मैं बात कर रहा हूँ मरकजी बजट की नहीं मरकजी बजट से तो डेरा गाजी खान को मुल्तान को कुछ भी नहीं मिलता अनलेस पे भाई कोई वजीर वगैरह उधर पहुँच जाए रोल ले जाते हैं मैं यही चाहता था कि हमें रिक्वायरमेंट जितनी है उस इलाके की जितनी निगलेक्ट हुई आप उस इलाके में स्कूल नहीं बने कॉलेज नहीं बने अस्पताल नहीं बने सड़कें नहीं बनी उस लिहाज से हमें दिया जाए
वरना जिसको आबादी के अब एक लाहौर की आबादी लाहौर शहर की आबादी डेढ़ पौने दो करोड़ तो शहर की होगी तो सारा कुछ वही ले जाते हैं। ओवरहेड बन रहे हैं वही बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं वही बन रहे हैं, रेलवे लाइन बिच रही है शहर में तो उन्हीं की बिछाई जा रही है, वो लाल बस चल रही है वो भी उन्हीं की चल रही है, सब कुछ उनके लिए हो रहा है। ये इंसाफ नहीं है। मेरा झगड़ा उनके साथ यही रहता था कि आप अपने घर में तो हर चीज दे रहे हैं और जो दूर अफ्तादा इलाके हैं जहाँ से उनको आते हुए भी शाम पड़ जाती है, सुबह निकलते हैं शाम को पहुँचते हैं लाहौर, उनके पास रहने की जगह नहीं होती, वाकफियत उन लोगों की नहीं होती, मार खा खा के वापस चले जाते हैं, उनके लिए कुछ सहूलत। और हमने ये भी बल्कि उस वक्त कहा था, आपने भावलो बेंच दे दिया, मुल्तान बेंच दे दिया, अब डेरा गाजी खान का इतना लंबा चौड़ा कहाँ लिया और बखर और राजनपुर और जाना पड़ता है मुल्तान, तो ये हमारी ये निगलेक्ट है इन हुकूमतों की, हुकूमत दर हुकूमत निगलेक्ट करते आए हैं, अपने इलाकों को रजा देते हैं जिस इलाके से उनको वोट भी हमेशा मिलता रहा, साउथ पंजाब ये नून लीग की सपोर्ट करता रहा हमेशा, लेकिन नहीं करते, इस तरह से इंसाफ नहीं करते। अच्छा दूसरा ये बताइएगा कि अभी जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर, गरीब लोग जो है खुदकुशियाँ करने में मजबूर हैं, जो अभी बिल आए हैं बहुत ज़्यादा बिजली के जिसकी वजह से आवाम परेशान है, आवाम का कहना है कि हमें जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो कोई सहूलियत नहीं दे, जिस तरह आपने बोला, क्या समझते हैं कि आगे के क्या नजर आ रहे हैं तासरात आपको, क्या ये हुकूमत अपने टेन्योर पर? ऐसा टेढ़ा सवाल है, अगर मैं इसका सही जवाब दूं तो फिर कहेंगे जी हमारे नाम लेके हमें बुरा भला कहते हैं। चीफ मिनिस्टर ये बयान दे रहा है, दे रही कहना पड़ेगा आज जो है चीफ मिनिस्टर मोहतरमा, कि मैंने काश्तकारों से गंदम इसलिए नहीं ली कि करप्शन खत्म हो जाए, जब बोलो जी इसका मुझे मतलब समझा दें। गरीब काश्तकार को तो आपने रगड़ के रख दिया, करप्शन कौन करता है आपके महकमे, महकमों को आपने केल डाले ना, गरीब का क्यों आपने खाना बंद कर दिया? इस चीफ मिनिस्टर का बयान हो कि मैंने इसलिए काश्तकार से गंदम नहीं ली कि करप्शन खत्म हो जाए, काश्तकार तो सत्यानाश कर दिया, ना बीज खरीदने के लायक रहा है, ना वो खाद्य खरीदने के लायक रहा, ना ट्रैक्टर चलाने के लायक, मैंने इसलिए बंद किया कि करप्शन हो जाए खत्म हो जाएगी। तो इनको किसी गरीब से उस तबके से हमदर्दी कोई नहीं, ये अपने वोट जहां मिलते हैं इनको वहां पलटा देंगे दौलत, तो खास तौर पर लाहौर में। और हमसे न कहवाएंगे।